अब जो वचन मैं आपसे बात करूंगा जिस वचन के बारे में, उस वचन को तोड़ने के कारण मैं आपको कहता हूं कि दुनिया की अगर जितनी भी मिनिस्ट्रीज गिरी हैं वो उसके कारण गिरी हैं। 90% विश्वासी उस कमी के कारण गिरे हैं। और अगर इस कमी के ऊपर आप कब्जा कर लें, इस कमी के ऊपर अगर आपने काबू पा लिया, आपकी लाइफ में बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सी ऐसी दिक्कतें हैं, वो चली जाएंगी और ब्लेसिंग्स एंटर करेंगे। आप सोचते होंगे परमेश्वर मुझे फाइनेंशियली ब्लेस करने के लिए किसी बंदे को भेजेगा जो 50 लाख का बैग लिए हुए मेरे पास आएगा। लेकिन कई बार परमेश्वर ऐसा ब्लेस नहीं करता। आपको लगेगा कि परमेश्वर मुझे शायद किसी डॉक्टर से मिलवा दे और मेरा गर्भ खुल जाए, आपको लगेगा कि शायद कुछ ऐसा हो जाए, लेकिन कई बार परमेश्वर ऐसे काम नहीं करता, क्योंकि बाइबल कहती है उसके काम करने में और हमारे काम करने में जमीन और आसमान का फर्क है, उसके सोचने में और हमारे सोचने में जमीन और आसमान का फर्क है। हालेलुया। निर्गमन 20 उसकी 24 आयत को पहले मैं पढ़ूंगा। मेरे लिए मिट्टी की एक वेदी बनाना और अपनी भेड़ बकरियां गाय बैल के होम बलि और मेल बलि को उस पर चढ़ाना। जहां जहां मैं अपने नाम का स्मरण कराऊंगा वहां वहां आकर तुम्हें आशीष दूंगा। लोग बोलते हैं क्यों चर्च में जाना जरूरी है, घर बैठे भी तो ये बातें हो सकती, घर बैठे परमेश्वर का नाम लिया जा सकता है। लेकिन बाइबल कहती परमेश्वर ने कहा मेरे लिए एक वेदी यानी एक परमानेंट स्थान बनाना और वहां पर अपने भेंटों को चढ़ाना, और जहां जहां मैं अपने नाम का स्मरण कराऊंगा वहां वहां मैं आपको आकर आशीष दूंगा। क्या आप नहीं जानते आज आप यीशु मसीह के नाम का स्मरण कर रहे हैं? किसका नाम लिया जा रहा है आज यहां पे? क्या लोग मेरी वजह से चंगे हो रहे हैं? बोलो किसकी वजह से हो रहे हैं? यीशु मसीह की वजह से। तो किसका नाम हम याद कर रहे हैं? तो बाइबल कहती जहां जहां यीशु मसीह का नाम याद किया जाएगा वहां वहां मैं तुम्हें आकर क्या दूंगा? आशीष दूंगा। और मेरे लिए एक स्थान बनाना जहां पर तुम अपनी भेंटों को चढ़ाना और मेरे नाम को याद करना, और जहां जहां मेरा नाम लिया जाएगा वहां वहां मैं आकर तुमको आशीष दूंगा। इसलिए जो चर्च में लोग आने वाले लोग होते हैं वो हमेशा ज्यादा आशीषित होते हैं उनसे जो कभी कभी चर्च में आते। उनकी स्पिरिचुअल लाइफ ज्यादा प्रोटेक्टेड होती, उनकी स्पिरिचुअल लाइफ ज्यादा इनलाइटन होती, ज्यादा वो देख सकते हैं, उनकी स्पिरिचुअल आईज ज्यादा ओपन होती और वो चीजों को अच्छी तरह से समझ सकते हैं जो आम लोग नहीं समझ सकते। अब्राहम की आशीष मिलने में और ना मिलने में अब यही फर्क रह गया था कि कौन सी ऐसी चीजें थी जो उसके आसपास हो रही थी जो अब्राहम की आत्मिक समझ में नहीं आ रही थी। और परमेश्वर उससे कह रहा था कि उस समझ में लेके आ उन चीजों को, अपनी कमियों को निकाल, तो मैं तुझे वहां पर आकर आशीष दूंगा। परमेश्वर ने इन 10 हुक्मों को पुराने नियम में दिया। लोग बोलते पुराने नियम के 10 हुक्म खत्म हो चुके, ऐसा नहीं है। सारे हुक्म खत्म नहीं हुए। बलियां अब नहीं चढ़ती क्योंकि यीशु मसीह बलि खुद अपनी चढ़ाकर हमें बलियों से फ्री कर गया। विश्राम दिन हम अब नहीं मनाते क्योंकि यीशु मसीह के जी उठने के बाद वो शनिवार की बजाय संडे हो गया, ग्रेस का दिन हो गया। लेकिन बाकी आज्ञाएं, तू खून ना करना 13 आयत, तू व्यभिचार ना करना, तू चोरी ना करना, किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना, किसी के घर का लालच ना करना, ये अभी भी वैसी की वैसी है। जबकि कुछ आज्ञाएं इनमें से ऐसी हैं जिनको यीशु मसीह ने नया नियम में और कड़ा कर दिया, और मजबूत कर दिया, और ज्यादा कठिन कर दिया। निर्गमन 20 की जो 10 आज्ञाएं हैं उनमें से जो 7वीं आज्ञा है वो है तू व्यभिचार ना करना। और अगर हम इस पुराने नियम की आज्ञा को नए नियम में 5 मती 5 उसकी 27 में पढ़े, मैं सिर्फ पढ़ूंगा, आप सुनेंगे। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, कब कहा गया था? निर्गमन में, कि व्यभिचार ना करना। परंतु मैं तुमसे कहता हूं यदि कोई स्त्री पर कुदृष्टि कंदी निगाह डाले तो वह मन में उसके प्रति व्यभिचार कर चुका। यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर दे तो उसे निकाल कर फेंक दे, भला होगा कि तेरे अंगों में से एक नाश हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। ये पुराने नियम की 7वीं आज्ञा थी, तू व्यभिचार ना करना। लिखा ये आज्ञा व्यभिचार को वर्जित करती यानी उसको मनाही करती, अनैतिकता और कामुक पापों को ये बयान करती है कि एक व्यक्ति को अपने जीवन साथी से ही
विश्वास योग्यता के साथ रहना चाहिए और उसको धोखा नहीं देना चाहिए, क्योंकि अविश्वास योग्यता और व्यभिचार परमेश्वर की दृष्टि में लिखा इतना घृणित है कि पूरी बाइबल इसके खिलाफ है। व्यभिचार, गंदी पिक्चर्स को देखना, गंदी वीडियोस को देखना, मन में गंदे विचारों को पालना, उन्हें सोचना और उनमें आगे बढ़ना, व्यभिचार इतना गंभीर पाप है कि परमेश्वर के वचन का यह अनादर करने के बराबर है। और परमेश्वर की 10 आज्ञाओं में से एक और यीशु मसीह की मती की आज्ञाओं को तोड़ने के बराबर है। बाइबल में जितने भी पाप हैं, बाइबल कहती है कि व्यभिचार एक ऐसा इकलौता पाप है जो आप अपने शरीर के खिलाफ करते हो। लिखा व्यभिचार करने वाला व्यक्ति अपने शरीर के खिलाफ पाप करता है। और बाइबल कहती है अगर आप अपने शरीर को खिलाफ पाप करेंगे जहां पर पवित्र आत्मा रहता है तो परमेश्वर इसका दंड आपको देगा। दुनिया में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जहां पर लोग इस व्यभिचार के कारण मर गए, और अगर आप ध्यान लगाएं दुनिया में वो और ऐसी कितनी गंभीर बीमारियां हैं जो इस व्यभिचार के पाप की वजह से लोगों को लगती हैं, वो मानसिक, शारीरिक और पैसे की कमी की प्रॉब्लम उनकी लाइफ में सदा रहती है। व्यभिचार एक ऐसा पाप है, अगर यह आपकी लाइफ में रहे तो नीति वचन 5 उसकी 1 आयत से मैं पढ़ूंगा। हे मेरे पुत्र, मेरी बुद्धि की बातों की ओर ध्यान दे, मेरी समझ की बातों की ओर कान लगा, जिससे तेरा विवेक सुरक्षित बना रहे और तू ज्ञान के वचनों को थामे रहे। क्योंकि पराई औरत के होठों से मधु शहद टपकता है, उसकी बातें तेल से भी अधिक चिकनी हैं, लेकिन उसका परिणाम नाग दोना सा कड़वा और दो धारी तलवार सा पैना है। उसके पांव मृत्यु की ओर बढ़ते हैं, उसके पग अधोलोक तक पहुंचते हैं, इसलिए उसे जीवन का समथर पथ नहीं मिल पाता। उसके चाल चलन में चंचलता है, परंतु वह उसे आप नहीं जानती। परमेश्वर ने कहा कि प्रायः औरत जिसके होंठों से मधु टपकता है वो फुसलाने वाली, वो अट्रैक्ट करने वाली, लेकिन बाइबल कहती है ऐसे लोगों को जीवन का समथर पथ, यानी कभी भी उनका जीवन सीधा नहीं रहता। अगर आप व्यभिचारी लोगों को देखें उनकी लाइफ में हमेशा ट्रबल रहेगा। उसने लिखा कि उसे जीवन का समथर पथ नहीं मिल पाता। फिर बंदे सोचते हैं यार डोले शोले तो बहुत थे यार, ऐसा कैसे बीमारी हो गई। लोग सोचते हैं यार बड़ा पैसे वाला है, इसको ये ऐसा क्यों हो गया। लेकिन बाइबल कहती जो व्यभिचार में है उनको जीवन का सीधा रास्ता कभी नहीं मिल पाता। वो अपने बिजनेस में कभी सेट नहीं होते क्योंकि सीधा रास्ता बाइबल होने नहीं देती। वो अपने परिवार में सीधे नहीं हो पाते, अपनी सेहत में सीधे नहीं हो पाते, अपनी सेवकाई में तक में सीधे नहीं हो पाते। ऐसी सेवकाई हैं जो बढ़ा ली मसे से, लेकिन करेक्टर ना होने की वजह से उन्हें गवा दिया। क्या चाहते हैं परमेश्वर ऐसा कि आप 10 साल चर्च आए, मसा कमाएं, सामर्थ कमाएं, इज्जत कमाएं और एक पाप में अपना सारा कुछ गवा दें। परमेश्वर तो ऐसा नहीं चाहते, लेकिन शैतान ऐसा चाहता है, क्योंकि शुरू से उसे मेहनत को व्यर्थ करने का एक लालसा है उसके अंदर। बाइबल कहती मुझ में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं जाती, लेकिन मुझ में, मुझसे बाहर नहीं। और शैतान जानता है आपकी मेहनत व्यर्थ कैसे करनी, पाप में गिरा के। लिखा उसे जीवन का समथर पथ नहीं मिल पाता, उसे जीवन का सीधा रास्ता नहीं मिल पाता जो लोग व्यभिचार में रहते हैं। पुराने नियम में लिखा था तुम व्यभिचार मत करना। आपको क्या लगता है परमेश्वर ने आपको बोर करने के लिए ऐसा बोला? क्योंकि परमेश्वर जानता है कि ये शैतान के हथियार हैं ताकि आपको जीवन का समथर, क्लीन, सीधा रास्ता ना मिल पाए, आप इधर उधर भटकते रहें, आपकी जिंदगी में शैतान काम करता रहे। ये शैतान की योजना थी। बाइबल कहती है दाऊद की जिंदगी में व्यभिचार के अलावा पूरी दुनिया में, पूरी लाइफ में कोई पाप नहीं पाया गया, और उस पाप के दूरगामी परिणाम थे क्या? उसके घर में तलवार चली क्योंकि उसने बेतशेबा के पति को तलवार से मारकर उसे अपना कर लिया। नतान नबी आके बोलता है दाऊद तेरे पास, परमेश्वर कहता मैंने सब कुछ दिया और मैं और भी बहुत कुछ देने वाला था,
व्यभिचार शैतान का एक हथियार था कि दाऊद की जिंदगी में इतना कुछ था, परमेश्वर का था, मैं अभी और भी देने वाला था। यानी परमेश्वर जब आपको चुनता है, अनएंडिंग ब्लेसिंग्स उसके दिल में आपके लिए रहती हैं। आप सोचते हैं अच्छा मेरे पास अब 100 एकड़ है, अच्छा मेरे पास अब 10 लाख लोग हैं, परमेश्वर का नहीं तो शुरुआत है, मैं तो अभी बहुत कुछ देने वाला था, मैं तो अभी 1 करोड़ देने वाला था, मैं तो अभी तेरे को 5 करोड़ रूहें देने वाला था, ये तो अभी शुरुआत थी, मैं तेरे को और बड़ा बिजनेस देने वाला था, मैं तो तेरी चंगा करने वाला था। सोचो परमेश्वर आपसे क्या कहता होगा। और परमेश्वर ने कहा तूने बेतशेबा को अपना करके उसके पति को तलवार से मरवा दिया, इसलिए अब तेरे घर में भी तलवार चलेगी। और बाइबल कहती है उसके घर में तलवार चली, उसके अपने बेटे ने दूसरे सौतेले भाई को मार दिया और उस परिवार में खून हुए और वो परिवार दाऊद के भी खिलाफ हुआ, फिर उसका खून हुआ और ये खून चलता रहा क्योंकि दाऊद ने व्यभिचार का पाप किया, उसे जीवन का समथर पथ नहीं मिला। माफी मांगने पर माफ कर दिया गया लेकिन रास्ता सेम नहीं रहा। माफी मांगने पर मिल जाती लेकिन अब आप रास्ता वो नहीं, जो आप सीधे रास्ते फगवाड़ा से लुधियाना जा रहे थे अब आप सीधा नहीं जा पाएंगे, आपको होशियारपुर जाना पड़ेगा, गढ़शंकर जाना पड़ेगा, घूमना पड़ेगा और फिर वहां आना पड़ेगा, क्योंकि ये आपने चुना, परमेश्वर ने नहीं। उसने कहा उसे जीवन का सीधा रास्ता नहीं मिल पाता जो लोग व्यभिचार करते हैं। लिखा इसके परिणाम दूरगामी और गंभीर होते हैं। नीति वचन 6 मैं 23 में पढ़ूंगा, आप उसे 26 से देखेंगे। आज्ञा तो दीपक और शिक्षा ज्योति और सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है, ताकि तुझको बुरी स्त्री से बचाए और पराई स्त्री की चिकनी चुपड़ी बातों से बचाए। उसकी सुंदरता देखकर अपने मन में अभिलाषा ना कर, वह तुझे अपने कटाक्ष में फंसाने ना पाए, क्योंकि वैश्यागमन के कारण मनुष्य टुकड़ों का भिखारी हो जाता है। व्यभिचारिणी अनमोल जीवन का अहेर कर लेती है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिनकी जिंदगी में परमेश्वर की योजना थी कि उन्होंने सेवा करनी थी, यहां पे बड़े बड़े काम करने थे, लेकिन व्यभिचार के कारण मैंने उनको निकाला यहां से और वो घरों में बैठे अभी ऑनलाइन देख रहे होंगे। क्योंकि बाइबल क्या कहती है, व्यभिचारिणी अनमोल जीवन का शिकार कर लेती है। बोलो शिकार कर लेती है। अहेर का मतलब होता है शिकार करना, कि जो व्यभिचारिणी एक ये जो आत्मा है, अगर आप प्रकाशित वाक्य में देखें तो व्यभिचार की एक स्पिरिट है। बाइबल कहती है एक दुष्ट आत्मा है जो हर वक्त परमेश्वर के दासों के पीछे और विश्वासियों के पीछे लगी रहती। आप नहीं जानते मैं पूरी दुनिया घूमा हूं, मुझे मालूम है कौन रियल प्रॉफिट है, कौन रियल अपोस्टल है, कौन रियल पास्टर है, मुझे मालूम है। मैं जानता हूं लोग कितने धोखेबाज हैं, कितने व्यभिचारी हैं, कितने चोर हैं, मैं सब जानता हूं और मुझे मालूम है एंड क्या होगा उनका, क्योंकि बाइबल कहती व्यभिचारिणी अनमोल जीवन का शिकार कर लेती। लिखा क्या हो सकता है कोई अपने छाती पर आग रख ले और उसके कपड़े ना जले, क्या हो सकता है कोई अंगारों पर चले और उसके पांव ना झुलसे। जो पराई स्त्री के पास जाता है वो ऐसा ही है, वरन जो कोई उसको छुएगा वो दंड से ना बचेगा। 32-33 शायद को मैं पढ़ूंगा, जो पर स्त्री गमन करता है वो निरा निर्बुद्धि है, वो अपने प्राणों को नष्ट करना चाहता है, वही ऐसा करता है। उसको घायल और अपमानित होना पड़ेगा और उसकी नामधराई कभी ना मिटेगी। परमेश्वर ने कहा जो व्यभिचार करेंगे उसका असर क्या होगा, वो आपके मुंह को पकड़ने नहीं आएगा तो मत कर, लेकिन उसने कहा तुम्हें घायल होना पड़ेगा, अपमानित होना पड़ेगा और तुम्हारी बेइज्जती जब तक तुम इस दुनिया में रहोगे कभी नहीं मिटेगी। इमेजिन कर सकते हैं, कहता जब तक तुम इस दुनिया में रहोगे लास्ट टाइम तक वो बेइज्जती तुम्हें फॉलो करेगी, कभी तुम्हारे बच्चे से देगी, कभी तुम्हारे ताया से देगी, कभी तुम्हारे बिजनेस से देगी, हमेशा तुम्हारी इंसल्ट होती रहेगी जब तक तुम धरती पे रहोगे। और जैसे ही आप आज इस पाप की क्षमा मांगेंगे और दुनिया में दोबारा इसको ना करने का वायदा करेंगे, इज्जत आज से आपको फॉलो करेगी। आप चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे नॉन क्रिश्चियन हो, चाहे नए हो, चाहे पुराने हो, परमेश्वर सेकंड चांस देने वाला परमेश्वर। मजाक करते लोग अपनी जिंदगी के साथ, एक बार गिर गए माफी मांग ली फिर गिर गए, क्या ड्रामा चल रहा है ये, तुम्हारी जिंदगी
जिंदगी नहीं है, तुम जोकर हो, स्पिरिचुअल जोकर हो तुम, और तुमने सर्कस चला रखी। नए नियम में पौलुस कहता तुम घमंड करते हो कि ऐसा व्यक्ति हमारे बीच में, इसकी 5 गर्लफ्रेंड्स हैं, वाह। कहता ऐसा व्यक्ति निकाल दिया जाए, शरीर के विनाश के लिए शैतान को सौंप दिया जाए। एक लड़के आए क्वायर में, मेरे से गलती हो गई, माफ कर दो, मैं प्रभु की सेवा चाहती हूं। ठीक है, जो हो गया ठीक है, आ जाओ। ठीक है, 2-4 महीने में फिर उसी पाप में, बोला अब नहीं रखूंगा क्वायर में, क्योंकि अब ये जानबूझ के की गई गलती और आउट करना पड़ा। क्योंकि ये एक ऐसा पाप है जो आपकी फायर को खत्म कर देगा, लाइफ का समथर पथ आपको लेने नहीं देगा, अनमोल जीवन का शिकार कर लेगा। और लिखा घायल होना पड़ेगा, अपमानित होना पड़ेगा, और नाम धराई कभी नहीं मिटेगी। दाऊद इस दुनिया में जब तक रहा, उस पाप के बाद, उस पाप ने उसका पीछा किया, उसको माफी मिल गई, परमेश्वर ने उसको साथ दे दिया अपना, पर बाइबल कहती उसके लाइफ के एंड टाइम तक उसके बेटे, उसके कई बेटे उसके खिलाफ रहे, सुलेमान के भी खिलाफ रहे। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? और जब इस तरह की पवित्रता ही हमारी जिंदगी में फॉलो करती, और अगर हम अनमैरिड हैं, हम मैरिज का वेट करेंगे, अगर मैरिड हैं तो मैरिज में ईमानदार रहेंगे अपने पार्टनर से, तो समझ लो आपके फिर गुड डेज, बेस्ट डेज शुरू हो चुके। क्योंकि बाइबल कहती है इसके परिणाम दूर वाले, इसके परिणाम कौन से हैं? दूरगामी और गंभीर। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो 40 साल से क्रिश्चियन हैं, लेकिन अगर आप उनके घरों में चले जाएं और उनके पड़ोसियों के पास चले जाएं, अविश्वासी और विश्वासियों में कोई फर्क नहीं नजर आएगा। कारण है पवित्रता में ना रहना, क्योंकि यही पवित्रता है जो अट्रैक्ट करती है परमेश्वर के फेवर को, जो खींचती है परमेश्वर के मसे को, जो खींचती है परमेश्वर के अनइमेजिनेबल, जो आप मैं इमेजिन नहीं कर सकते, ऐसा फेवर, ऐसी ब्लेसिंग आपके आपके परिवार पे, फाइनेंस पे आती। क्योंकि आपको लगता है कि मेरी हीलिंग के लिए कोई खास एक मेडिसिन आ जाएगी, या खास कुछ दिन प्रेयर हो जाएगी, लेकिन परमेश्वर आपको वचन के जरिए भी हील करते। मैंने लोगों को पाप छोड़कर बढ़ते हुए देखा है, चंगा होते हुए देखा है, आजाद होते हुए देखा है। क्योंकि पाप छोड़ने से ही कई बंधन ऐसे हैं जो आपकी जिंदगी से आसानी से निकल जाते हैं। वेश्यागमन के कारण लिखा मनुष्य टुकड़ों का भिखारी बन जाता है। बाइबल कहती है परस्त्री गमन करने वाले, जादू करने वाले, टोना करने वाले, व्यभिचार करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। अगर जिंदगी में लंबा जाना है तो आपको इस तरह की पवित्रता ही अपनी जिंदगी में फॉलो करनी पड़ेगी। अपने पड़ोसी को बोलो, बोलो पवित्र बन, परमेश्वर के वचन का अनादर मत कर, क्योंकि तू परमेश्वर का उत्तराधिकारी नहीं बन सकता अगर तू अपना जीवन वेश्याओं के हाथ में और व्यभिचारियों के हाथ में दे दे। हालेलुया। उसने कहा व्यभिचारिणी अनमोल जीवन का शिकार कर लेती। आप चाहते हैं आपका अनमोल जीवन शिकार हो? क्योंकि लोगों को यह मालूम नहीं होता उनकी जिंदगी में परमेश्वर की कितनी बड़ी योजना है, परमेश्वर ने किस काम के लिए उनको अपने पास बुलाया। अगर उसने आपको अपने पास बुलाया, उसने आपको कोई टेस्टमनी देनी, गवाही देनी, आपको ऊंचा करना है, आपके रिश्तेदारों को आपके जरिए बचाना है। वो तभी बचा पाएगा अगर वो आपकी लाइफ में प्रूफ करेगा कि वो जीवित परमेश्वर। पर ऐसा कैसे होगा? आपको मदद करनी पड़ेगी परमेश्वर की,
आपको कॉपरेट करना पड़ेगा परमेश्वर के साथ, आपको उसके वचन पे चलना पड़ेगा ताकि आप सिद्ध हो सके और परमेश्वर आसमान की खिड़कियां और दरवाजे खोलकर आप पर आशीष की बारिश कर सके और लोग ये देखकर जान सके कि सचमुच ये वही व्यक्ति जिसे परमेश्वर ने बढ़ाया। आपका चरित्र आपके लिए सबसे बड़ी प्रोफेसी। आप मुझे अपना चरित्र बताओ, मैं आपको आपका फ्यूचर बता सकता हूं। आपका कैरेक्टर आपकी सबसे बड़ी प्रोफेसी, आपका चरित्र आपकी सबसे बड़ी प्रोफेसी। बाइबल कहती है याकूब जब अपने बेटे को आशीर्वाद देने लगा तो सब बेटे को बुलाया और उनके चरित्र के हिसाब से उनको प्रोफेटिक वर्ड्स दिए। जो कुछ उन्होंने पास्ट में किया उसका असर हुआ, चाहे अच्छा किया तो अच्छा, बुरा किया तो बुरा। परमेश्वर माफ करने वाला परमेश्वर है। इसका मतलब यह नहीं कि आप बार बार गुनाह करें, वो माफ करने वाला परमेश्वर है। इसकी गंभीरता को समझते हुए, इसकी वैल्यू को समझते हुए आगे से हम पाप ना करें, बाइबल कहती है। इमेजिन करो एक 18 साल का लड़का, एक 17 साल की लड़की बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है आपस में, और यही वो टाइम था जब परमेश्वर ने गाइड करना था कि बेटा तू इधर जा, तू इंजीनियर नहीं बनेगा, तू सीए में जाएगा, तू अकाउंटेंट बनेगा, क्योंकि तेरी प्लानिंग प्रभु की, मेरी प्लानिंग तेरी जिंदगी में ये है। पर वो किसी से प्रभावित है, वो उसे लगता है कि मैं इंजीनियर बन जाऊंगा और मैं सीधा गूगल में जाऊंगा जॉब करने के लिए, लेकिन इसके लिए वो चुना नहीं गया। मालूम कैसे हो? मालूम तब होगा जब परमेश्वर उससे बात करेंगे। लेकिन उसी टाइम पे जब परमेश्वर ने बात करनी थी, शैतान को मालूम है कि परमेश्वर इससे बात करेंगे और अगर मैं इसके पाप में फंसा के इसके कानों को मोटा कर दूंगा तो ये परमेश्वर की बात को सुन नहीं पाएगा। और इसलिए बाइबल कहती व्यभिचारिणी अनमोल जीवन का आहेर कर लेती। अब वो बंदा क्या कर रहा है? इंजीनियरिंग कर रहा है, मार्क्स भी अच्छे आ रहे हैं, लेकिन फिर भी लाइफ में ब्लेसिंग नहीं। क्यों? क्योंकि वो बना नहीं है उस काम के लिए, वो बना है किसी और काम के लिए। और वो बताएगा कौन? बताएगा परमेश्वर का आत्मा। वो बताएगा कब? जब हम सिद्धता में चलेंगे और परमेश्वर के वचन को तोड़ेंगे नहीं। इमेजिन करो शादी करनी है 30 साल में, 18 साल में उस बॉयफ्रेंड की जरूरत क्या है? वो 12 साल तुम उसके भाई बन के रहोगे, जिथे आएगी उत्थे जाना, ट्यूशन से चली गई हैं, अच्छा घर आ गई हैं, अच्छा रोटी खा ली है, पानी पी लिया, क्या ड्रामा लगाया हुआ है, अब तेरे बनने का टाइम और शैतान तुझे बिगाड़ रहे। और जब तब बन गए और जब मैरिज का टाइम होगा, परमेश्वर उस हिसाब से तुम्हें आपका पार्टनर देगा जो उस विजन को आगे लेके जाएगा बल्कि पीछे खींचने वाला नहीं होगा। हर एक चीज टाइम पर अच्छी लगती। जिस दिन आपने घर की नींव डाली थी उसी दिन फ्रिज ले आओ और घर के बाहर खड़ा कर दो और बहस करो फ्रिज नहीं चाहिए क्या? पाजी चाहिए नहीं फ्रिज, ठंडा पानी नहीं पीना ही। उसी दिन घर के बाहर एसी लगा दो, बोलो ले चाहिए नहीं एसी, करनी गर्मी है। पहले घर तो बनाओ, एसी लगाने का टाइम आएगा वो भी लगेगा ना, जब फ्रिज लगाने का टाइम आया लग जाएगा। घर बना नहीं लेकिन एसी फ्रिज खरीद लिया, और जब तक घर बनेगा उसकी कबाड़ हालत हो चुकी होगी धूप में रह रहे। आपको क्या चाहिए? आपको क्या लगता है परमेश्वर से ज्यादा मालूम है आपको? और कब चाहिए? क्या आपको लगता है परमेश्वर से ज्यादा मालूम है आपको? आपको कब चाहिए और कितना चाहिए और कौन सा चाहिए वो राइट टाइम पर आपको देगा। आदम ने नहीं कहा मैं बड़ा कल्ला, मैं प्रभु कुछ सोचता क्यों नहीं तू? वो काम कर रहा था जो परमेश्वर ने ठहराया, और बाइबल कहती परमेश्वर ने देखा आदम मेरा काम कर रहा है, मैं इसके लिए सहायक बनाऊंगा। जब वो आपको देखेगा पवित्रताई में चलते, वो जान लेगा मुझे इसे बिजनेस देना जरूरी है, वो जान लेगा मुझे हीलिंग देना जरूरी है, वो जान लेगा मुझे कौन सी बात कब देनी है। सब बात टाइम पर आएंगे यीशु मसीह के नाम में, अगर आमीन हो चाहे। क्योंकि हर एक चीज का बाइबल कहती धरती के नीचे एक समय है। डायपर तभी अच्छे लगते जब बच्चा 6 महीने का और साल का, हर चीज समय पे अच्छी लगती। और जब टाइम आएगा आपकी लाइफ में ऐसा, तो परमेश्वर समय पर आपको हर एक चीज मुहैया करवाएगा। तब तक क्या करना? बाइबल कहती जो यहोवा की बाट जो होते वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वो उकाबों के समान उड़ेंगे, दौड़ेंगे और श्रमित आओगे, चलेंगे और थकेंगे नहीं। जो यहोवा की बाट जो होते, कौन यहोवा की बाट जो होते? कि मैरिज के लिए यहोवा की बाट जो होना, ब्रेक थ्रू के लिए यहोवा की बाट जो होना,
वो जंगली गधे की तरह सूंघते नहीं फिरना मैरिज कहां करें। लड़कियां सूंघते फिरो और लड़के सूंघते फिरो कहां मिलेंगे। बाइबल कहती है यहोवा की पाट झोना वो तुझे तेरे बल को क्या करेगा, नया करेगा। जो यहोवा का इंतजार करते उनका बल नया करता, वो काबों के समान उड़ेंगे। सुनो दूसरे दौड़ेंगे थक जाएंगे, कहता तू दौड़ेगा और थकेगा नहीं, श्रमित नहीं होगा। मैंने एक्साइटेड फ्रेंड्स देखे, एक्साइटेड फ्रेंड्स जिनको शादी की इतनी एक्साइटमेंट थी, मैं देखकर हंसता था उनको। मैं बता नहीं सकता वो क्या क्या करते थे रूम में। शादी की एक्साइटमेंट, शादी के एक साल बाद ऐसा क्या बोलते हैं, ऐसा उनको खत्म हुए हैं ना, फिनिश हुए हैं ना, वो शक्ल दिखाने जैसे भी नहीं। परमेश्वर जानता है आपको क्या देना है और कब देना है और कितना देना, उसकी बाट को जोहना। वो सेवकाई हो, वो बिजनेस हो, वो आपकी पर्सनल लाइफ हो, इंतजार को करना, प्रेयर के साथ आगे बढ़ना, जिंदगी का टेस्ट चेंज हो जाएगा। आप देखना कैसा क्या क्या होता है। और जब शैतानी डिस्ट्रेक्शन को हम अलाउ करते हैं, हम फालतू की फाइट्स को भी अलाउ करते हैं। वो फाइट्स परमेश्वर ने हमें नहीं दी, वो हमने खुद खरीदी, वो हमने खुद कमाई है, वो परमेश्वर के वचन को तोड़कर हमने खुद देखी। और उसने कहा कामुकता व्यभिचार कलीसिया के अंदर सहन ना किया जाए। लेकिन मैं ऐसी कलीसियाओं को जानता हूं जहां ऊपर से लेकर टॉप से लेकर नीचे तक लोग व्यभिचार में। परमेश्वर का गिफ्ट काम करना अलग बात है, उसका करैक्टर अलग बात है। एक व्यक्ति गिफ्ट लेके प्रभु से करैक्टरलेस हो सकता है, लेकिन गिफ्ट वैसे ही काम करेगा। इसलिए अंत के समय में परमेश्वर ने कहा, वो कहेंगे हमने तेरे नाम से ये किया वो किया, और परमेश्वर बोलेगा मैं तुझे जानता भी नहीं। अगर आप चाहते हो आपकी लाइफ का बेस्ट ना खोए और वही आपको मिले जो आपके लिए डिजाइन किया गया है, आज से आप पवित्रताई में जिएंगे यीशु मसीह के नाम में। और मर्जी आपकी है, मेरी, मैं आपको पकड़ने वाला थोड़ी हूं घर आके। मैं आपको वचन दे सकता हूं, क्योंकि अगर मैं पीछा नहीं कर सकता, ये वचन आपका पीछा करेगा। आपको मालूम होगा, अब बढ़ना मेरे हाथ में है, आशीष लेना मेरे हाथ में, आगे जाना मेरे हाथ में। ऐसे लोग भी हैं जो आए चर्च लेकिन घूम इस समय वंडरलैंड में रहे होंगे। और सोचो जब लाइफ में वो मांगेंगे इमरजेंसी में, और वो रोएंगे और परमेश्वर हंसता होगा। आपको देखना होता है शैतान कहां से आपको अटैक कर। अपने शरीर के अपना चाल अपनी ढाल इस तरह से बना के रखनी है कि आप किसी के लिए पाप का कारण ना हो। और अगर कोई आपको भरमाने की कोशिश करे तो आपको मालूम हो ये शिकार करने आया। बात छोटे होने की या बड़े होने की नहीं। बाइबल कहती है दाऊद अपने परिवार का त्यागा हुआ बच्चा था, सबसे अलग थलग काम करने वाला, छोटू मोटू काम करने वाला, लेकिन प्रभु ने उसे चुना। पता है क्यों? पवित्रता के कारण। उस जेल में भी यूसुफ छुड़ाया गया, क्यों? पवित्रताई के कारण। पवित्रताई एक ऐसा हथियार है, अगर आपने इसे अपना लिया, आपकी लाइफ का बड़े से बड़ा बंधन एक दिन टूट जाएगा। आपको मालूम क्या, वो बड़े से बड़ा क्यों ना टूटने में चाहे उसे 10 साल लग जाएं, वो बात अलग है। परमेश्वर की योजना के ऊपर निर्भर करता है, वो 1 साल में टूटे के 10 साल में के एक दिन में टूट जाए, वो प्रभु पर निर्भर करता है। उसकी योजना के हिसाब से हर एक बंदे के लाइफ में अलग अलग। लेकिन मैं आपको हथियार दे रहा हूं, मैंने इसे अपनाया है, मैंने इसे यूज किया है, मैंने इसका असर देखा है। पवित्रता ही एक ऐसा हथियार है, अगर आप इसे यूज करेंगे, अपनी लाइफ का सबसे बड़ा बंधन आप टूटते हुए देखेंगे। वो कोई भी हो सकता है, बीमारी हो सकती है, परिवार का हो सकता है, फाइनेंशियल हो सकता है, एनीथिंग, वो नाम ले लो क्या है। अगर आप चाहते हो कि शैतान आपका शिकार ना करे,
आपको इस पाप से दूर रहना होगा। दिमागी व्यभिचार, फोटोस, वीडियोस, मन की इच्छाएं, लिखा जब मन की इच्छाओं को सेकते हैं तो वो पाप को जन्म देती है। हालेलुया। जैसे ये विचार आए इसको डांट दो और ध्यान दूसरी ओर कर लो। आपको मन में आपको कंट्रोल रखना होगा, उस पवित्रताई को बना के रखना होगा। हेवन आपके लिए ये जो नीचे वाला हेवन यानी ये जो आसमान आप देख रहे हो ना, ये छोटा पड़ जाएगा आप लोगों के लिए। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। मैं इस वचन पे विश्वास करता हूं, इस पवित्रताई को बना के रखूंगा। मैं इस वचन पे विश्वास करता हूं, मैं तेरे वचनों के ऊपर चलूंगा। उठाओ अपने हाथों को, अंगीकार करो। अगले 5 मिनट यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मेरी बात, आप एक योद्धा की तरह चले। कई बार मैं इसलिए बोलता हूं कि खंबरा चर्च में जो वचन मैं देता हूं ये सिर्फ विश्वासियों के लिए नहीं, ये पास्टर्स के लिए। ये स्ट्रांग है थोड़ा, लेकिन स्ट्रांग डाइट लेने वाले बच्चे, पंजाबी कहते ना पहलवान ही बनना फिर। हाँ,